हे गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हिंदी टेक एचडी। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं OnePlus Nord 2 5G वर्सेस Realme GT 5G और साथ ही देखेंगे कि फ़ोन के कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बॉडी ऑफ द डिवाइसेस, फीचर्स, कम्युनिकेशन चिप्स एंड अबाउट द प्राइसेस में कौन सा डिवाइस बेस्ट है। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोनों डिवाइसेज के फ़ोन के कैमरा से। चलिए रियर कैमरा से स्टार्ट करते हैं। OnePlus Nord 2 5G में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। और Realme GT की बात की जाए तो 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरा क्वालिटी के हिसाब से विनर रहेगा इसमें Realme GT, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिलता है जो कि आपको अच्छी रेजोल्यूशन दे देगा एज़ कम्पेयर टू Nord 2 5G के। और बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो Nord 2 में आपको 32 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा देखने को मिलता है और वहीं Realme GT में आपको 16 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा देखने को मिलता है। तो 32 मेगापिक्सल कैमरा की होने की वजह से Nord 2 इस केस में विनर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के कैमरा फीचर्स की तरफ। OnePlus Nord 2 की बात करें तो ड्यूल LED फ्लैश HDR पैनोरामा का ऑप्शन देखने को मिलता है और Realme GT में आपको ड्यूल LED ड्यूल टोन फ्लैश HDR और पैनोरामा का ऑप्शन देखने को मिलता है। सो इस केस में विनर रहेगा ड्यूल टोन ड्यूल LED फ्लैश की वजह से Realme GT 5G। और बात की जाए वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की, तो Nord 2 में आपको 4K की रिकॉर्डिंग 30fps पे और फुल HD की रिकॉर्डिंग 240fps पे जायरो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ देखने को मिल जाता है। और Realme GT की बात की जाए तो उसमें भी आपको 4K की रिकॉर्डिंग 60fps पे देखने को मिलती है और फुल HD की रिकॉर्डिंग 240fps पे जायरो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। तो इस केस में मैं कहूँगा थोड़ा सा एज रहेगा Realme GT के पास, क्योंकि ये 4K की रिकॉर्डिंग 60fps पे करके देगा आपको। सो इसलिए मैं इस केस में विनर कहूँगा Realme GT को। चलिए पढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के परफॉर्मेंस की तरफ और देखते हैं कौन सा डिवाइस बेस्ट रहेगा। स्टार्ट करते हैं दोनों डिवाइसेस के ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो Nord 2 में आपको Android 11 का सपोर्ट देखने को मिलता है और बात की जाए Realme GT की, तो उसमें भी आपको Android 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो दोनों के बीच में मैं कहूँगा टाई रहेगा, क्योंकि सेम ही ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों में। वहीं बात की जाए यूज़र इंटरफेस की, तो Nord 2 में आपको ऑक्सीजन OS देखने को मिलता है और Realme GT में आपको Realme UI देखने को मिलता है। तो दोनों डिवाइसेस के यूज़र इंटरफेस डिफरेंट है, सो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा यूज़र इंटरफेस पसंद है। तो इस केस में मैं दोनों के बीच में टाई कहूँगा। और बात की जाए प्रोसेसर की, तो Nord 2 5G में आपको Dimensity 1200 5G का 6 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर देखने को मिलता है और वहीं बात की जाए Realme GT की, तो 5 नैनोमीटर बेस्ड स्नैपड्रैगन 888 5G का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। प्रोसेसिंग के हिसाब से ये Realme GT इस केस में विनर रहेगा, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Nord 2 के। और बात की जाए ग्राफिक यूनिट यानी GPU की, तो Nord 2 में आपको माली G77 का GPU देखने को मिलता है और वहीं Realme GT में आपको Adreno 660 का GPU देखने को मिलता है। तो अगेन GPU के मामले में भी मैं कहूँगा Realme GT विनर रहेगा, क्योंकि आपको गेमिंग में आपको एक बेहतरीन FPS दे देगा एज़ कम्पेयर टू Nord 2 के। सो इस केस में फिर से विनर रहेगा Realme GT। चलिए बात करते क्लॉक स्पीड की। Nord 2 5G में आपको 3.0 GHz की क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है और Realme GT थोड़ा सा पीछे रह जाता है 2.84 GHz की क्लॉक स्पीड के साथ। तो क्लॉक स्पीड के मामले में एज रहेगा Nord 2 को, सो इस केस में विनर रहेगा Nord 2। और बात की जाए रैम ऑप्शन की, तो Nord 2 में आपको 8 और 12 GB का रैम ऑप्शन देखने को मिलता है और सेम आपको Realme GT में भी 8 और 12 GB का रैम ऑप्शन देखने को मिलता है। तो रैम के मामले में दोनों के बीच में मैं कहूँगा टाई रहेगा। और वहीं बात की जाए इंटरनल स्टोरेज की, तो सेम 128 और 256 GB का स्टोरेज आपको दोनों ही डिवाइसेज में देखने को मिलता है। तो इंटरनल स्टोरेज के मामले में फिर से मैं दोनों के बीच में टाई कहूँगा। कार्ड स्लॉट की भी बात की जाए, तो दोनों डिवाइसेज में आपको कोई भी एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता, तो इस केस में दोनों के बीच में टाई रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे डिस्प्ले की तरफ और देखते हैं दोनों डिवाइसेज में किस टाइप की डिस्प्ले पैनल आपको देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों डिवाइसेज के स्क्रीन साइज से। तो Nord 2 5G में आपको 6.43 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है और सेम आपको Realme GT में भी 6.43 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों डिवाइसेज की स्क्रीन साइज सेम है, तो इस केस में टाई रहेगा। और वहीं बात की जाए स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो दोनों ही डिवाइसेज अप्रॉक्स 85.8% के आसपास ही मैच करते हैं, तो इस केस में भी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में भी दोनों के बीच में मैं टाई करूँगा। चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के रेजोल्यूशन की तरफ। तो भाई दोनों ही डिवाइसेस में आपको फुल HD का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो इस केस में फिर से टाई रहेगा। बात करते हैं डिस्प्ले टाइप की। Nord 2 में आपको फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले 90Hz के पैनल के साथ HDR10+ सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाता है और वहीं बात की जाए Realme GT 5G की, तो सुपर एमोलेड की डिस्प्ले 120Hz के साथ आपको देखने को मिल जाती है। तो HDR10+ की वजह से सो इस केस में विनर रहेगा Nord 2 5G, क्योंकि इसमें आपको HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि HDR10+ की वजह से आपको विविड कलर्स देखने को मिलता है और डार्कर ब्लैक्स देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इस केस में विनर रहेगा Nord 2 5G।
चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के बॉडी फीचर्स की तरफ और देखते हैं कौन सा डिवाइस बेस्ट रहेगा इस केस में। चलिए थिकनेस से स्टार्ट करते हैं। नोट 2 5G आपको 8.3 mm के थिकनेस के साथ देखने को मिल जाती है और Realme GT आपको 8.4 mm के थिकनेस के साथ देखने को मिलती है। तो थिकनेस के मामले में दोनों डिवाइसेस के बीच में टाई रहेगा क्योंकि थोड़ा सा ही फर्क है, ज़्यादा है नहीं। और बात की जाए वेट की तो नोट 2 में आपको 189 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है और Realme GT में आपको 186 ग्राम्स का। तो वेट के मामले में भी दोनों डिवाइसेस के बीच में मैं टाई कहूँगा। और बात की जाए प्रोटेक्टिव ग्लास की तो दोनों डिवाइसेस में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, सो इस केस में दोनों के बीच में टाई रहेगा। और बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की तो नोट 2 में आपको ग्लास बैक प्लास्टिक फ्रेम के साथ देखने को मिलता है और सेम आपको Realme GT में भी देखने को मिलता है ग्लास बैक प्लास्टिक फ्रेम के साथ, तो बिल्ड क्वालिटी में भी दोनों के बीच में टाई रहेगा। और बात की जाए सिम स्लॉट की तो दोनों डिवाइसेस आपको ड्यूल नैनो सिम सपोर्ट के साथ देखने को मिलते हैं, सो इस केस में फिर से दोनों के बीच में टाई रहेगा। चलिए बात करते हैं दोनों डिवाइसेस के फीचर्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर से। तो नोट 2 5G आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ देखने को मिल जाता है और वहीं बात की जाए Realme GT की भी तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आपको देखने को मिल जाता है। तो दोनों डिवाइसेस में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है तो इस केस में दोनों के बीच में टाई रहेगा। और वहीं बात की जाए सेंसर्स की तो दोनों डिवाइसेस में आपको एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी और कंपास का ऑप्शन देखने को मिलता है, सो फिर से इन दोनों के बीच में टाई रहेगा। और बात की जाए बैटरी कैपेसिटी की तो नोट 2 में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और Realme GT में भी आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, सो इस केस में दोनों के बीच में फिर से टाई रहेगा। चार्जिंग स्पीड की भी बात की जाए तो दोनों डिवाइसेज आपको 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ देखने को मिलते हैं, सो चार्जिंग के डिपार्टमेंट में भी दोनों के बीच में टाई रहेगा। लाउड स्पीकर की भी बात की जाए तो दोनों डिवाइसेज में आपको स्टीरियो स्पीकर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो लाउड स्पीकर के मामले में भी दोनों के बीच में टाई रहेगा। और बात की जाए हेडफोन जैक की तो नोट 2 में आपको हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता लेकिन Realme GT में आपको हेडफोन जैक देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है, तो इसलिए इस केस में विनर रहेगा Realme GT। चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के कम्युनिकेशन चिप्स की तरफ और देखते हैं कौन सा डिवाइस बेस्ट रहेगा। स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू लैन से। तो नोट 2 में आपको वाईफाई एसी ड्यूल बैंड वाईफाई वाईफाई डायरेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है लेकिन Realme GT में आपको 6th जनरेशन का वाईफाई ड्यूल बैंड वाईफाई के साथ वाईफाई डायरेक्ट और हॉटस्पॉट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। 6th जनरेशन ऑफ वाईफाई की वजह से इसमें कवरेज एरिया आपको थोड़ी ज़्यादा मिलती है और स्पीड भी आपको थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी, इस वजह से Realme GT इस केस में विनर रहेगा। और बात की जाए ब्लूटूथ वर्जन की तो 5.2 जनरेशन का ब्लूटूथ तो आपको नोट 2 में देखने को मिलता है और वहीं Realme GT में आपको 5th जनरेशन का ब्लूटूथ देखने को मिलता है, सो इस केस में दोनों के बीच में मैं कहूँगा विनर रहेगा नोट 2। तो चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के पोजिशनिंग चिप्स की तरफ। नोट 2 में आपको ड्यूल बैंड AGPS ग्लोनस गैलीलियो BDS और SBS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और वहीं बात की जाए Realme GT की तो AGPS ग्लोनस BDS और गैलीलियो का ऑप्शन देखने को मिलता है, सो इस केस में विनर रहेगा नोट 2 क्योंकि इसमें थोड़े ज़्यादा चिप्स हैं एज कम्पेयर टू Realme GT के। बात की जाए USB पोर्ट की तो नोट 2 में आपको सेकंड जन का टाइप सी कनेक्टर OTG सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाता है और वहीं Realme GT में भी आपको सेकंड जन का टाइप सी कनेक्टर OTG सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाता है, तो USB पोर्ट के मामले में दोनों के बीच में टाई रहेगा। चलिए पढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के प्राइस की तरफ और देखते हैं कौन सा डिवाइस कितना सस्ता या महंगा है। बात की जाए अमेरिकी डॉलर यानी US डॉलर्स की तो नोट 2 की स्टार्टिंग रेंज आपको 450 US डॉलर से देखने को मिल जाती है और Realme GT की भी सेम प्राइसिंग है 450 US डॉलर्स। और बात की जाए इंडियन रुपीज़ की तो नोट 2 की स्टार्टिंग रेंज आपको 28,000 रुपीज़ मिल जाएगी मार्केट में और Realme GT 5G की भी स्टार्टिंग रेंज आपको 32,000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं दोनों वीडियो के कॉन्क्लूजन की तरफ और देखते हैं कौन सा डिवाइस कौन से सेगमेंट में बेस्ट रहा। कैमरे की बात की जाए तो Realme GT विनर रहेगा। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो Realme GT विनर रहेगा। डिस्प्ले की बात की जाए तो नोट 2 विनर रहेगा। बॉडी सेगमेंट में दोनों के बीच में मैं टाई कहूँगा और फीचर्स ऑफ द डिवाइस में भी दोनों के बीच में मैं टाई कहूँगा। और बात की जाए कम्युनिकेशन चिप्स की तो Realme GT इस केस में विनर रहेगा। और बात की जाए प्राइस की तो प्राइस में Realme GT इस केस में विनर रहेगा। सो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। मैं हूं अमित और अब मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।